हाँ मेरी बिंदिया लगाई पापा देखो पापा जी ने बिंदिया लगा दी अच्छी वाली बिंदी लगाई है ये अच्छी वाली बिंदी बोलते हैं इसको कैसा कलर है ये उच्चे चश्मा लगा ले चश्मा लगाइए उसके <coughs> मत दो ये आंख आंख में लगा देगा कुछ और दे दो इसको तो, कुछ और दे दो ये हाथ बाद में लगा देगा हाँ इसका आंख आंख में लग जाएगी चलो बाबा को फोन हेलो फैमिली गुड मॉर्निंग जय माता दी क्या हाल चाल है तो आज है मेरी छुट्टी मतलब हो गई है क्योंकि पुच्चू की तबीयत खराब है और सभी की तबीयत खराब है तो आज मैं बैठी हूँ मस्त करके बिस्तर में और आज अशु की ड्यूटी लगाई है कि आप मॉर्निंग टी बनाओगे आज तो चुपचाप से कैमरा रख देते हैं और देखते हैं उनका रिएक्शन आज अशू चाय बना रहा है मैं पूछती हूँ बनगी कि नहीं अशोक yes. चाय बन गई गयी yes, तो दे दो हमारी okay, <coughs> फुल फैमिली की चाय सही बात है पंद्रह बीस लोग हैं क्या मेरी फैमिली में YouTube की बात कर रहे हो क्या तेरा, तेरा, तेरा भाई। अच्छा चाय के साथ बिस्किट भी देना गोल्ड मामा रहे ना। के आ रहे हम मामा क्या चाय के साथ बिस्किट भी मांगता है अपन अलाउ करेगा पुच्चू अलाउ क्यों नहीं करेगा पुच्चू को तो, तो खुद ही बिस्किट खा रहे होंगे मैं इधर ही पीऊंगी यार नहीं, नहीं मुझे इधर दे दो नहीं नहीं मैं रजा कम्बल कंबल से नहीं निकलूंगी और मैं बैठ के वीडियो भी एडिट करूंगी और चाय भी पीऊंगी दे दो प्लीज नहीं आप लोग उधर बैठ जाओ मुझे इधर ही दे दो मुझे वीडियो एडिट करनी है कल वाली और चाय पीऊंगी वीडियो एडिट करूँगी साथ में हाँ जी तो हमारी सुबह की शुरुआत कुछ ऐसी ऐसी हुई थी आज रात को ना पुच्चू की तबीयत फिर से ख़राब हो गई थी और मेरी भी तबीयत ख़राब थी मुझे ऐसे कुछ तो हुआ नहीं लेकिन मुझे खांसी हो गई थी बहुत ज़्यादा कल रात को और वो भी ड्राई ड्राई वाली क्योंकि ना जैसे पॉल्यूशन में हम लोग निकलते हैं बाहर अभी तो वो सीधा मतलब डायरेक्ट वो तो गले में लगता है तो मुझे तो लगता है कि ड्राई खांसी का रीज़न सबसे ज़्यादा वही है और उसी से तबीयत ख़राब हो रही है और बच्चों का तो मैं क्या ही बोलूँ और लोगों का तो कभी भी कुछ भी करो कोई भरोसा नहीं होता है कभी भी इनकी तबीयत खराब हो जाती है और आज मेरी फिर से छुट्टी हो गई है मतलब मैंने कर ही ली है और अशु ने बना दी थी चाय आज सब कुछ काढ़ा वाड़ा एक्सरसाइज सब कुछ स्किप हो गया है और अभी मैं बस खाने में बना रही हूँ पोहा क्योंकि तबीयत खराब है सबकी इतना हिम्मत नहीं है कि इतना सारा ताम झाम करो आटा गूनो रब सब्ज़ी काटो सब्जी बनाओ ये वो एंड ऑल तो बिल्कुल मन नहीं है इसलिए मैं बनाने वाली हूँ पोहा और सुबह मैंने इतना ही शूट किया था और उसके बीच में पहले पापा का फ़ोन आ गया था और उसके बाद आ गया था मेरे ससुराल से फ़ोन और अभी कुछ दिन के बाद मुझे जाना है अपने ससुराल मतलब एक हफ्ते के बाद मुझे अपने ससुराल जाना है तो फिर मैं सोच रही हूँ कि मुझे क्लासेस कंटिन्यू करके कोई फायदा नहीं है तो अभी ये मंथ कंप्लीट हो गया है इधर ही तो मैं अभी एक महीने के लिए सब बंद करूँगी क्लासेस जाना क्योंकि ओ, मेरे घर में शादी है तो मुझे वहाँ जाना पड़ेगा अभी घर में पेंट वगैरह हो रहा है तो इसलिए वो लोग मना कर रहे हैं कि अभी मत आओ क्योंकि पेंट में सब कुछ कवाड़ा ऐसे हो जाता है घर में और फिर छोटा बच्चा भी है तो ठंडी लग जाएगी कुछ भी प्रॉब्लम हो सकती है और उसको मैं अभी तक एक बार ही वहाँ लेके गई हूँ तो उसको वहाँ का वेदर भी नहीं पता है तो उसको थोड़ा सा वेदर शूट करने के लिए टाइम तो लगेगा ना तो इसलिए अभी मैं कुछ दिन के बाद वहाँ चली जाऊँगी तो तब तक मुझे करनी है शादी की तैयारियाँ और शादी का सारा सामान खरीदना है तो देखते हैं क्या होता है क्या नहीं होता है पहले बना लेते हैं हम पोहा पोहा वैसे तो जो मतलब ट्रेडिशनली वो जो बनाते हैं मतलब कि उसका ऑथेंटिक रेसिपी तो मुझे नहीं पता मतलब वो राई के उसमें बनता है ना तड़के में लेकिन मैं नॉर्मल स्टाइल में बनाती हूँ और वो भी बहुत टेस्टी बनता है अगर आपने ट्राई नहीं किया होगा तो आप मुझे बताना और आप लोग कैसे बनाते हो मुझे वो भी बताना जो भी जैसे भी पॉसिबल होगा जो व्हाट्सअप में होगा वो व्हाट्सअप करना जो यूट्यूब पे होगा जो यूट्यूब करना जो जहाँ पर भी होगा वो कमेंट करना और मुझे बताना तो मैं उसमें राई का तड़का नहीं लगा रही हूँ राई तो मेरे पास रखी है मैं कल ही खरीद के लाई थी परसों हाँ परसों वाले ब्लॉग में मैंने डाला था तो अभी मैं उसमें डाल रही हूँ नॉर्मल से जीरा अजवाइन और हींग हींग का फ्लेवर मुझे बहुत पसंद है तो मैं वो डाल रही हूँ और बस वो तीन चीज़ें डाली है और उसके बाद डाला है कटी हुई हरी मिर्च और प्याज और साथ में ये सब कुछ डाल दिया है बीन्स और शिमला मिर्च गाजर मैं नहीं डालूंगी क्योंकि गाजर को पकने में थोड़ा टाइम लगता है और बीन्स और शिमला मिर्च पक जाएंगी जल्दी बीन्स को मैंने बहुत पतला पतला कट किया है और उसमें मैंने थोड़ा सा नमक ऐड कर दिया है और कुछ टाइम के बाद ये पक्के ऐसी ऐसी हो गई हैं तो जब तक ये पकती हैं तब तक मैंने पोहा को धो लिया है और उसमें हल्दी डाल के और पोहा डाल दिया है और उसके बाद हम लोग उसमें ऐड करेंगे मैगी मसाला पीनट्स के साथ भी लोग बनाते हैं लेकिन मुझे पीनट्स वाला पसंद नहीं है और ना ही मुझे बिल्कुल सूखा सूखा ड्राई ड्राई पसंद नहीं है तो मैं उसको ऐसे ही करके बनाती हूँ और उसके ऊपर से हम लोग डालेंगे मैगी मसाला और ऊपर से मैंने डाल दिया टमाटर और उसको ऐसे ही खुले में पकाएंगे उसके ऊपर ढक्कन नहीं लगाएंगे और अगर ना जब आप उसको खाओगे तो आप उसके ऊपर या तो वो वाला पीनट डाल सकते हो जो नमकीन वाला मिलता है ना नेट क्रैकर्स या क्या नाम होता है उसका कुछ ऐसा तो वो आप मतलब उसको ना हल्का सा पैकेट का हवा निकालो उसके बाद उसको बेलन से कूट के हल्का हल्का क्रंची क्रंची हो जाता है वो डाल लो लेकिन मैंने ऐसा कुछ एक्सपेरिमेंट नहीं किए हैं तो फाइनली ऐसे है। लास्ट में मैंने इसके ऊपर बस धनिया डाल दिया था बहुत सारा और जब आपको खाना है तो उसके ऊपर नींबू निचोड़ो हल्का सा और बहुत टेस्टी बनेगा अगर आपको ज़्यादा चटपट सा चाहिए तो आप चाट मसाला डाल सकते हो लेकिन मेरा बहुत सिंपल रेसिपी होता है तो इतना कुछ नहीं होता है और उसके बाद यहाँ पर सब लोग अपने अपने काम के लिए निकल गए हैं मैं भी नहा धो के रेडी हूँ बस और आज तो पता नहीं क्या हो गया बस चाय 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 चल रही है तो यहाँ पर आए थे दीदी जिनको यूट्यूब से रिलेटेड कुछ काम था एडिटिंग में उनको कुछ प्रॉब्लम आ रही थी तो अभी सब लोग अपने अपने काम में चले गए हैं और पीछे आपको सोफ़े में थोड़ा सा ब्लैंकेट दिख रहा होगा यहाँ पर पुच्छू बाबा सोए हैं उनको फिर फीवर हो गया है पता नहीं कैसे उनकी तबीयत बार बार खराब हो रही है मैं तो ना ये सिजेरियन बच्चों से ही परेशान हूँ पता नहीं ये सबके बच्चों के साथ होता है या सजेरियन वालों के साथ ही होता है लेकिन प्रॉब्लम तो एक ख़त्म होती है दूसरी हो जाती है अभी जो उसका वो पिंपल टाइप जो हुआ था ना वो थोड़ा सा ठीक है क्योंकि दवाइयों से वो बैठ गया उसका पस भी नहीं निकला वो फूटा भी नहीं बस ऐसे वो बैठ गया अपनी जगह पे लेकिन अभी है मतलब फिफ्टी परसेंट अभी है पूरा ठीक नहीं हुआ है तो मुझे लगा कि ये अब ये बैठ गया तो फालतू में उसको दवाइयाँ देने की ज़रूरत नहीं है मैंने उसको पी दिया नहीं कल और फिर उसको बुखार हो गया आज पता नहीं क्या है ये लोगों का लेकिन ऊपर से इतनी ठंडी है सिचुएशंस ऐसी होती हैं कि बंदे का बाहर निकलने का मन नहीं करता है और इनको इतने कपड़े पहना दो उसके बाद उनको पसीने आ रहे हैं बुखार हो रहे हैं और फिर समझ में भी नहीं आता ना कोई होता है बोलने वाला तो चलो वो बोल दे कि ये प्रॉब्लम है लेकिन ये लोग तो बेचारे क्या ही बोलेंगे चलो कोई ना जो भी होगा जल्दी से ठीक हो जाएगा सब यहाँ पर दीदी आए थे और देखो इनको इतना इंटरेस्ट है सीखने में कि मेरे ही घर पे आए और मैं चाय बना के इनको दी है और मैंने पूरी चाय पी ली और सारी नमकीन भी खा ली लेकिन इन्होंने अभी तक चाय में हाथ भी नहीं लगाया है पूरी शिद्दत के साथ उस चीज़ में लगे हैं कोई बात नहीं एक दिन ज़रूर सक्सेस मिल जाएगा सबको तो मैं सिर्फ इतना बोलती हूँ सबको कि भाई तुम लोग भी बना लो इजी है अगर आपको कुछ ऑप्शन नहीं दिख रहा है ना तो आप यूट्यूब में वीडियोस बना लो आपके पास जो भी टैलेंट है आप बनाओ अगर आप सिलाई करते हो आप कटिंग करते हो अच्छा खासा तो आप उस चीज़ की बनाओ लाइक फैशन डिजाइनिंग टाइप आपने कुछ किया है तो आप वो बना लो अगर आप अच्छे आर्टिस्ट हो अगर आप तो उस चीज़ का कुछ कर लो मेहंदी मेहंदी लगाना आपको आता है तो आप उस चीज़ का चैनल क्रिएट कर लो अगर आपको लगता है आप बहुत अच्छे शेफ़ हो तो आप कुकिंग चैनल बना लो आपको जो भी टैलेंट लगता है अगर आपको लगता है कि मैं बच्चों को बहुत अच्छे से पढ़ा सकती हूँ या सकता हूँ जो भी एक्स वाई जेड तो आप उस चीज़ का बना लो और अभी हो गया शाम का टाइम तो रोटी वोटी मैं बनाने वाली नहीं हूँ मैं बनाऊँगी ये जुकिनी जो लंबा वाला कद्दू होता है वो इसमें मैंने डाला है जीरा एजवाइन काली मिर्च राई बड़ी इलायची छोटी इलायची हींग और नॉर्मली इसको जस्ट ऐसे ही सिंपल सा बनाऊंगी और रोटी वोटी बनाने का मुझे टाइम नहीं मिलेगा तो मैं इसके साथ बनाऊंगी चावल और अदरक में हमेशा ऐसे काट के मोटा मोटा डाल देती हूँ क्योंकि मेरे हस्बैंड को बहुत पसंद है जब ऐसे अदरक मुंह में आता है ना खाना खाती बार तो उनको बहुत पसंद है अदरक का फ्लेवर तो इसलिए मैं हमेशा सब्ज़ी या दाल जो भी बनाती हूँ तो उसमें मोटा मोटा चॉप करके अदरक डालती हूँ और उसमें मैंने डाला है ये जो ग्रीन ग्रीन आपको दिख रहा है ना ये लहसुन की कलियां हैं मैंने अपनी छत में जो लहसुन लगाया है मेरा खुद का किचन गार्डन आपने देखा होगा <laughs> तो ये वहाँ का है तो आज का दिन तो बस कुछ ऐसे ऐसे ही निकला मैं इतना ज़्यादा शूट नहीं कर पाई क्योंकि देखो बच्चों की हेल्थ के आगे तो कुछ नहीं है तो अभी भी मतलब उसको मैं गोद में ले कर बैठ के एडिटिंग कर रूँ तो हालात कुछ ऐसे ऐसे हो रहे हैं कि वो गोद नहीं छोड़ रहा है उसको बस गोद में ही बैठना है कोई बात नहीं जल्दी से सब कुछ ठीक हो जाएगा तो चलिए मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में तथा बाय बाय जय माता दी